क्षेत्र में हुई तेज बारिश ने फसलों को बर्बाद करने के साथ ही किसानों के सपने तोड़ दिए हैं। फसलों का लाभ तो दूर, लागत भी नहीं निकलेगी। करीब 90% फसलें खराब हो चुकी है। सरकार किसानों को इस विकट स्थिति में राहत दे, इस मांग को लेकर होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को तहसील कार्यालय में कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री नाम सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिवस क्षेत्र में शुरू हुए बारिश के दौर ने किसानों की कमर तोड़ दी है। यहाँ पर मुख्य रूप से सोयाबीन, मक्का और उड़द की फसल होती है। कुछ दिन बाद फसलों की कटाई की जानी थी, परंतु फसलों में ना जाने कौन सा रोग लग गया जिससे फसलें सूखने लगी एवं सोयाबीन के झाड़ों में फलियां ही नहीं लगी है। किसानों का कहना है कि पिछले साल खराब हुई फसलों का बीमा मिला भी नहीं और इस बार फिर सोयाबीन समेत अन्य खरीफ फसलें खराब हो गई है। गुरुवार दोपहर कई गांवों के किसानों ने भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार नीलेश पटेल को ज्ञापन सौंप किसानों में खराब फसल साथ लेकर आए और अधिकारियों को बताए। भारतीय किसान संघ पदाधिकारियों ने बताया कि सोयाबीन के पौधे पीले पड़ गए हैं, फलियां झड़ रही है, उत्पादन ना के बराबर होगा, किसान परेशान है। हर साल बीमा प्रीमियम भरते हैं लेकिन लाभ नहीं मिला। प्रशासन के द्वारा तुरंत सर्वे करवाना चाहिए और नुकसानी की बीमा व मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। माता की, भगवान बलराम की, भगवान बलराम की, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी, किसान तुरेगा मोहन, किसान तुरेगा मोहन, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शासन तेरी तानाशाही, शासन तेरी तानाशाही, शासन तेरी हिटलर शाही, शासन तेरी हिटलर शाही, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बलराम की, भगवान बलराम की, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, किसान शक्ति जागेगी, किसान शक्ति जागेगी, किसान चुराएगा मोहन, किसान चुराएगा मोहन। क्या नाम है आपका? राम भगत। आपके यहाँ सोयाबीन की क्या स्थिति है? जी स्थिति लाया है बाबू जी, 4-5 एकड़ की स्थिति यही है, 4 एकड़। कितनी लागत लग गई थी? वो मैं 4 स्प्रे करी है। कितना नुकसान हो गया है? पूरे ही गया है, तो पूरा खेत ही गया। अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे आप लोग? अब साहब जी, अब इसमें से लड़ के काम करते हैं अपन। उम्मीद है सरकार से कि राहत मिलेगी आप लोग आए हैं तो? हाँ उम्मीद तो होना चाहिए साहब। हाँ क्या नाम है दादा आपका? मन्नू। क्या स्थिति है आपके? यह स्थिति है कि अब ऊर्जा का कोई फल नहीं है। कितनी लागत लग गई थी इसमें? लागत की जैसे क्या बात भैया जी, हमने 2-3 बार तो उसे स्प्रिंग कर दिए। अभी कितनी फसल बची है या कितनी बर्बाद हो गई? ये बस ये आप लगा ही है। कितनी बर्बाद हो गई है फसल? ये सब भैया ये खेत से उचका कर लेकर आया हमने। अगर सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है तो कैसे आगे जीवन यापन आपका होगा, कैसे परिवार पाल पाओगे? अब मैं क्या बता सकूं भैया जी, जो भी है वो सब मेरी है। नाम है आपका? देशराज। क्या स्थिति है आपके खेत में? बस ये देख लो स्थिति। अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की, कैसे पालन पोषण करेंगे? बस तुम्हारे अपने घर जाना पड़ेगा मजदूरी करने। उम्मीद है कि सरकार कोई राहत देगी किसानों को? अब ये तो सरकार के ऊपर है, दिखा रहे हैं हम। आपको कितनी उम्मीद लगती है कि शिवराज सरकार से राहत मिल पाएगी? अब हम ये तो नहीं कर सकते साहब।
अभी जो सोयाबीन की फसल है कितना नुकसान नजर आया है? अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की जो फसल है 100% खराब हो चुकी है। उसमें एक एकड़ में 5 किलो सोयाबीन पैदा होने की स्थिति नहीं है, पूरा नष्ट हो चुका है। कटाई भी नहीं होगी, सीधा पिलाऊ चलेगा उसमें। आज हम SDM महोदय, कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पहले सर्वे कृषि मंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री जी को भी देंगे कि हमारी पहले तो सर्वे करवाया जाए। RBC 64 के अंतर्गत पहले सर्वे करवाया जाए, सर्वे करवाने के बाद में राहत राशि दी जाए, उसके पश्चात जो हमारा बीमा कटा हुआ है सभी किसानों को बीमा में लिया जाए, बीमा मिलना चाहिए सभी किसानों को जिनका ऋण उठा हुआ है। अगर यदि राहत नहीं मिलती है तो किसान आने वाली जो बोनी बोना है उसके लायक नहीं बचेगा। उसके बाद ये व्यवस्था नहीं है कि अग्रिम वो खाद ले ले कि बीज ले ले, नहीं तो खाद है किसानों के पास नहीं बीज है तो हमारे पास नहीं, तो हम जब 1 किलो अनाज पैदा नहीं होगा तो हम खरीदेंगे कहाँ से? हम शासन से बोलते हैं कि हमारे को सबसे पहले राहत राशि दी जाए ताकि हम आने वाली बोनी की व्यवस्था कर सकें। आने वाली बोनी की व्यवस्था करना हमको सर्वे का बोला कि 15 दिन में अगर खर्च नहीं होता। किसान की फसल तो पूरी तरह से सोयाबीन की बर्बाद हो गई है, साथ में कुछ लोगों ने मूंग और उड़द मक्का लगाया था वो भी खराब हो गया है। किस मांग को लेकर आप लोग हम लोग आए हैं यहाँ? राहत राशि की मांग, जो फसलें खराब हुई है क्योंकि हमारी संपूर्ण लागत लग गई थी सोयाबीन में, लगभग फलियां लग गई, 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर फसलें कटाई की ओर थी और इसमें पूरी तरह से नुकसान हो गया। RBC की धारा 64 के अंतर्गत जो प्रावधान है 28,000 रुपये हेक्टेयर देने का, वो कम है, फसलों में कहीं और ज्यादा लागत लगती है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि RBC की धारा 64 को संशोधन करते हुए 40,000 रुपये हेक्टेयर किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में, राहत राशि के रूप में दिया जाए। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे हम लोगों ने 7 दिन का समय देना है। 7 दिन में अगर किसानों को राहत राशि, सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं होता और सर्वे कार्य के बाद में शीघ्र ही राहत राशि के लिए इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसमें अगर हीला हवाला किया जाता तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। हाँ बोलिए भाई। भाई साहब, ये भारतीय किसान संघ की टीम है, हम गांव-गांव अभी जितना प्रवास हुआ था भगवान बलराम जयंती में, हमने जितने गांव भी प्रवास किया सारे गांव में फसल की स्थिति ये है, सोयाबीन की पूरा सूख रहा है, फल्ली एक भी नहीं है, फूल भी जो आए वो सारे जड़ गए, जो नीचे से ये जो इल्ली बीमारी जो भी लगी पूरे पेड़ को सुखा दिया है, सारे खेत के खेत पूरे नष्ट हो रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए, इसके उचित जो मुआवजा बनता है मुआवजा दिया जाए, इसके बाद बीमा की राशि। ये तो 100% हो गया ना भाई साहब, खेत में कुछ भी नहीं बचा। 100% जो मूंग किसान ने पैदा किया था, मूंग की सारी लागत, बखराई, खेत बनाई और बुआई और बीज में सारी लागत लगा चुका किसान। किसान के पास अग्रिम फसल के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं बची, जो बोनी बखरनी कुछ भी कर पाए। अगर सरकार राहत नहीं देती है तो किसान की कैसी हो जाएगी? भाई साहब, राहत नहीं देती तो किसान की ये स्थिति हो गई कि कुछ भी नहीं बचा, तो भीख मांगने लायक हो गया, भीख भी कोई नहीं देगा, बोने के लिए भी उसके पास कोई व्यवस्था नहीं बची। जो भी मूंग का जितना भी आमदनी पैसा जो मिला था वो सारा का सारा खेती बनाने में और बीज ला के बोने में निकल गया पूरा पैसा।